हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन का नया जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है और यहाँ पे मॉरेटोरियम एक्सटेंड भी हो चुका है। ये कंफर्म पूरी तरीके से हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको हाल ही में कुछ दिनों पहले बताया था कि अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो आपको आगे भी मॉरेटोरियम का जो है अपडेट मिलेगा। आपका मॉरेटोरियम यानी कि लोन ईएमआई का जो रीपेमेंट करने का समय है, जो अभी हाल ही में बढ़ा हुआ है, वो आगे भी ज़रूर बढ़ेगा। ऐसे में अपडेट आ चुका है, कंफर्म भी हो चुका है आरबीआई के द्वारा हाल ही में एक दिन पहले। हालांकि इसके बारे में अपडेट मैं आपको थोड़ा लेट इस चैनल के ऊपर दे रहा हूं, लेकिन आपको दूसरे चैनल पे इस अपडेट को मैंने 2 घंटे के बाद ही अपडेट कर दिया था। जैसा कि आपको पता है, दूसरा चैनल फ़ोन वाला लोन। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉरेटोरियम से रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज जो कि आपने किए हुए हैं, कि मॉरेटोरियम अगर हमने पहले लिया हुआ है तो क्या उसे आगे एक्सटेंड करने के लिए कोई प्रोसेस फॉलो करना होगा या फिर वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपने मॉरेटोरियम अभी नहीं लिया है तो कैसे उसे आप लेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडसेट बुक में। अगर आपको पता है लॉकडाउन एक्सटेंशन के बारे में, फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा अगर आपने लोन कहीं से भी लिया हुआ है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है, जितने भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं, अगर आपने वहाँ से लोन लिया हुआ है तो क्या आपको मॉरेटोरियम मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उनके ऊपर। अगर वो चाहें आपको मॉरेटोरियम दे सकते हैं वो लोन प्रोवाइडर, या फिर अगर वो चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आदेश दिया है उन्होंने, कोई कंफर्मेशन यानी कि गारंटेड यहाँ पे मॉरेटोरियम एप्लीकेशन के ज़रिए नहीं बताया है। यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट है, चाहें तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं भी चाहें तो ये उनके हाथ में पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्रेडिट भी, स्मार्ट कॉइन, जस्ट मनी, ऐसे बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको मॉरेटोरियम दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आपने इन सारे लोन एप्लीकेशन से जो है लोन लिया हुआ है और आप मॉरेटोरियम चाहते हैं, तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि 14 डेज, 21 डेज या फिर इस तरीके की जो भी लोन एप्लीकेशन से, वहाँ पर मॉरेटोरियम आपको नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से कन्फर्म है, इसलिए कि वो आपका 1 महीने से कम का ही रीपेमेंट करने का समय है। तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है, क्रेडिट भी आपको 2 महीने 3 महीने, स्मार्ट कॉइन भी आपको कम से कम 2 महीने, अगर आपका 7,000 से ऊपर लोन है तो आपको 2 महीने का एक्सटेंशन देता है। तो वहाँ पे भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा, क्रेडिट बी में भी आसानी से मिल जाएगा। यानी ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका लोन ईएमआई 1 महीने से ऊपर है, यानी कि रिपेमेंट करने का समय 1 महीने से ऊपर है, तो वहाँ पे आपको मॉरेटोरियम जरूर मिल जाएगा। आपको इन्हें मेल करना होगा या फिर इनके वेबसाइट पर रिक्वेस्ट डालना होगा। अगर आपको मॉरेटोरियम लेना है किसी भी लोन एप्लीकेशन या फिर एनबीएफसी या फिर बैंक से, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप सभी को जरूर प्रोवाइड करूंगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्या अपडेट जो है हाल ही में मिला हुआ है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आरबीआई के गवर्नर ने जो है बात करी थी रेपो रेट के बारे में। यहाँ पे रेपो रेट से आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो इसके बारे में भी अगर आपको पता, मतलब कि रिक्वायरमेंट है, जानना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, एक सेपरेट डिटेल वीडियो आपको मैं ज़रूर दूंगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब आप इस लाइन को पूरी तरीके से पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे 90 डेज का हाल ही में हमें मॉरेटोरियम मिला था पिछले दिनों, उसको एक्सटेंड किया गया है। यानी कि अब 1 जून से 31 अगस्त तक आपको फिर दोबारा मॉरेटोरियम का जो है समय मिला हुआ है। अगर आपने पहले कोई लोन लिया हुआ है, मॉरेटोरियम भी आपने लिया हुआ है, तो आपको कन्फर्मेशन देना होगा। आपको बैंक, एनबीएफसी मैसेजेस करेंगे, उस मैसेजेस के ज़रिए आपको इन्हें ऑप्ट इन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आपने पहले भी नहीं लिया है और अब आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, तो आप 1 जून के बाद से ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, सिंपली ये बहुत ही आसान तरीका है। आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप ऑप्ट इन प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना नंबर डालना है, एक मैसेज आएगा उसके ऊपर और उसे आपको वहाँ पे फीड करना है, यानी कि OTP फीड करना है। तो इस तरीके से आप मॉरेटोरियम ले सकते हैं। बैंक के लिए आपको बहुत सारे बैंक जो भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें ऑटोमेटिकली मॉरेटोरियम आपको मिल रहा है, लेकिन उसके लिए भी आपको कन्फर्मेशन देना होगा। हाल ही में बहुत सारे यहाँ पे क्वेरीज मुझे रिसीव हुए थे कि मेरा लोन डिडक्ट हो रहा है। दोस्तों, मॉरेटोरियम से मतलब नहीं है, मॉरेटोरियम तो एक यहाँ पे आपको
एक सुविधा दी जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको कन्फर्मेशन देना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बिना कन्फर्मेशन दिए मुझे मॉरेटोरियम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आपको आपको मॉरेटोरियम के लिए रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली उस डेट में ईएमआई डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। साथ में आपको बाउंसिंग चार्ज भी लगेगा, वो अलग। हाल ही में बहुत सारे क्वेरीज थे कि मेरा बाउंसिंग चार्ज भी डिडक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम कहाँ रिक्वेस्ट करें। दोस्तों, ये ACH या ECH चार्ज होता है जो कि आपके बैंक द्वारा काटा जाता है। जो भी आपने कन्फर्मेशन दी है, अगर आपका लोन बाउंस हो गया उस डेट के अंदर, तो आपको बैंक पेनल्टी लगाता है, यानी चार्ज, उसके लिए फ़ाइन आपको देना पड़ता है। तो ये बैंक का जो है नॉर्म्स है। आपको मॉरेटोरियम अगर लेना है उसके बाद भी अगर आपका लोन डिडक्ट हो रहा है, तो आपको सिंपली रिक्वेस्ट डालना है, आपका जो भी डिडक्शन है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे मॉरेटोरियम एक्सटेंड करेंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मॉरेटोरियम का अवधि तो बढ़ा है, इससे आपका सिविल स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मॉरेटोरियम नहीं लेते हैं और आपका लोन डिडक्ट हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट ज़रूर होगा। दोस्तों, यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपको लोन का अगर आप टाइम एक्सटेंड करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट जो है उस 31 अगस्त के बाद फिर ऐड होके कंटिन्यू आपके EMI में ऐड होके चलता चला जाएगा। थोड़ा सा EMI का अमाउंट भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर आपने लोन लिया हुआ है किसी भी बैंक, NBFC, और खासकर लोन एप्लीकेशन की मैं अगर बात करूँ, तो लोन एप्लीकेशन से आपको मॉरेटोरियम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा का EMI एक्सटेंशन ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो छोटा सा अपडेट। अगर आपने कहीं से भी लोन लिया हुआ है, अगर आपको मॉरेटोरियम चाहिए या फिर उससे संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका जो है ज़रूर हेल्प करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट को देखने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।